आज हम आलू और पोहा में से दो जबरदस्त टिक्की बनाएंगे, जो कि बनाने में जितनी आसान है उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। तो इन टिक्कियों को बनाने के लिए आपको पहले चाहिए 5 से 6 उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज के आलूओं का इस्तेमाल किया हुआ है। यदि आप बड़े वाले आलू का इस्तेमाल कर रहे हो तो 4 आलू काफी रहेंगे। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप शेयर कर रहा हूँ, और वो ये है कि आपको यहाँ पर जो आलू है वो ठंडे इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर गरम गरम आलू का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि यदि आप गरम आलू का इस्तेमाल करोगे और उसको मैश करोगे तो फिर जो स्टफिंग है ये काफ़ी चिपचिपा बनेगा, और फिर उसको एडजस्ट करने के लिए आपको इसमें कॉर्नस्टार्च या फिर चावल का आटे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा यहाँ पर ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करें। आलूओं को तो मैंने मैश कर लिया है, तो अब हमें चाहिए 1 कप पोहा, जिसको हम फ्लैटेंड राइस कहते हैं। आपके घर में जो भी पतला या मोटा पोहा अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और पहले इस पोहा को आप पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिए, और उसको पानी में वॉश करने के बाद आप इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करिए। फिर आपको इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, और इस पोहा को आपको पानी में 2 मिनट के लिए भिगो कर रखना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो चुकी है और ये जो पोहा है ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसमें से जो भी पानी था वो मैंने निकाल लिया है, और अब इस पोहा को हम इस मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब बारी आती है इसमें कुछ कटी हुई सब्जियां डालने की। तो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है एक प्याज यानी कि अनियन, जिसको मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। यदि आपके पास लाल या फिर पीला वाला कैप्सिकम हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि ये जो टिक्की है ये दिखने में और कलरफुल लग सके। या फिर आप चाहो तो इस रेसिपी में गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर जाएगा 1 बड़ी चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट। फिर मेरे पास थोड़े से मकाई के दाने पड़े हुए थे, तो वो भी मैं यहाँ पर इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो मकाई के दाने हैं ये कच्चे ही है, आप चाहो तो उबले हुए मकाई के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच चिली फ्लेक्स। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो फिर आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप सूखी लाल मिर्च को एक मिक्सी में डालकर उसको ग्राइंड कर लीजिए, और आपके जो चिली फ्लेक्स है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर जाएगा 1 छोटी चम्मच ओरेगानो। आप चाहो तो यहाँ पर मिक्स्ड हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ 1/4 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। यदि आप ये नाश्ता अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स और काले मिर्च पाउडर का कम इस्तेमाल करें। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच नमक। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप। अगर आप इस रेसिपी में थोड़ा सा वेरिएशन लाना चाहते हो तो फिर आप इसमें शेजवान सॉस या फिर पिज्जा सॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि आपको ये जानना है कि आप घर पर पिज्जा सॉस और शेजवान सॉस कैसे बना सकते हो, तो उनके वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं और उनके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बस हमें यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड नहीं हो जाती। यदि आपको लग रहा है कि आपका ये जो स्टफिंग है ये बहुत ही चिपचिपा है, तो फिर आप इसमें 2 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। ये जो टिक्की हम बना रहे हैं ये बनाने में जितनी आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है, और एक बार इसको बनाने के बाद मुझे यकीन है कि आप इसे बार बार बनाकर खाओगे। चलिए, यहाँ पर जो स्टफिंग है ये रेडी हो चुका है। तो अब स्टफिंग में से आपको इस प्रकार से एक बॉल रेडी करना है, और फिर इस बॉल को हम हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और इसकी इस प्रकार से एक टिक्की रेडी करेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर अवेलेबल हो तो उसका यूज करके आप इसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स बना सकते हो। इसी प्रकार से मैंने सारी टिक्की को रेडी कर लिया है, और इतनी क्वांटिटी में से यहाँ पर 12 या 13 टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप इन सारी टिक्की को एक साथ बनाओ। आप चाहो तो इनसे कुछ टिक्कियों को इस प्रकार के एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर इसे आप 3-4 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए आपको इसे फ्रीजर में रखना पड़ेगा। अब इसी टिक्की में से हम 2 अलग अलग प्रकार के इसके वेरिएशंस बनाएंगे, और ये दोनों ही खाने में एकदम ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसका जो तो पहला वेरिएशन है ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और एकदम ही क्रंची लगता है। तो इसको बनाने के लिए पहले आपको कॉर्न स्टार्च और मैदा की स्लरी रेडी करनी है, जिसके लिए आपको इसमें 2 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च और 2 बड़ी चम्मच मैदा का इस्तेमाल करना है। फिर इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि 1-2 चुटकी नमक ऐड करेंगे, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, और इसकी हमें एक स्लरी रेडी करनी है। और जो स्लरी है ये ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, तो उसी के अनुसार यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करें। एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर सारा का सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, वरना फिर इस स्लरी में लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ जाएंगी।
जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्लरी है ये रेडी हो चुकी है और इसके जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल इस प्रकार की रहनी चाहिए। अब आपको इस प्रकार की सेव लेनी है जिसे हम सेवैया भी कहते हैं। अगर आपको ऐसी सेवैया नहीं मिलती है तो फिर आप इसके बदले ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर सेवैया या फिर ब्रेड क्रम्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो टिक्की है ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी भी बन सके और उसका जो तो टेक्स्चर है वो भी एकदम बढ़िया है। तो अब जो टिक्की हमने रेडी की हुई थी उस टिक्की को हमें यहाँ पर कॉर्न स्टार्च और मैदा की स्लरी में अच्छे डिप करना है और फिर इस टिक्की को हमें इस सेव के ऊपर रखना है और फिर इसे हम इस सेव से हर तरफ से अच्छे से कवर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टिक्की है इसको मैंने हर तरफ से सेव से अच्छे से कवर कर लिया है और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारी टिक्की को भी बनाकर रेडी करना है। जब सारी टिक्की बनकर रेडी हो जाए तब हम उन्हें फ्राई करेंगे और उनको फ्राई कैसे करना है ये भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यदि आप इसको ठीक तरीके से फ्राई नहीं करोगे तो ये काफ़ी ऑयली बन सकते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए आपका जो तेल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए और फिर आप इसमें एक साथ 3 से 4 टिक्कियों को ही फ्राई करें। अगर आप बहुत सारी टिक्की एक साथ फ्राई करने जाओगे तो फिर तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और जो टिक्की है उसको फ्राई होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और वो बहुत ही ऑयली बनेगी। तो इसलिए एक साथ सिर्फ 3 से 4 टिक्की को फ्राई करें। इनको आपको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती और इनको फ्राई होने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगी। और जब तक ये जो टिक्की है ये फ्राई होती है तब तक हम दूसरी वाली टिक्की बनाएंगे। तो इनको बनाने के लिए आपको एक पैन में या फिर एक तवे के ऊपर 3 से 4 बड़ी चम्मच तेल डालना है और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब आपको यहाँ पर इनमें इन टिक्कियों को रखना है और फिर इनको आपको स्लो फ्लेम पर सेकना है जब तक कि दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी और ब्राउन नहीं हो जाती। इसको आप हाई फ्लेम पर मत सेकेगा वरना ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएगी लेकिन उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी और अंदर से भी कच्ची रह जाएगी। तो इसीलिए हमेशा इसको स्लो फ्लेम पर ही सेके। 2 मिनट हो चुकी है तब हम इनको एक बार पलट लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी जो एक साइड है वो बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है। तो अब ये वाली साइड पर हमें लगाना है थोड़ा सा टोमेटो केचप। आप चाहो तो इसके बदले शेजान सॉस या फिर पिज्ज़ा सॉस भी लगा सकते हो और फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चीज़। आप चाहो तो इसमें चीज़ स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस समय पर भी जो गैस की फ्लेम है वो स्लो पर ही होनी चाहिए ताकि ये टिक्की जल ना जाए। इस पर चीज़ लगाने के बाद आपको इस पैन को कवर करना है और इन टिक्कियों को आपको स्लो फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक इसके ऊपर का जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो जाता। 2 मिनट हो चुकी है और इसके ऊपर का जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये जो टिक्की है ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना उससे कई ज़्यादा ये खाने में चटपटी और टेस्टी लगती है। और अब जो टिक्कियों को हमने फ्राई करने के लिए रखा हुआ था वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। इन्हें आप चाहो तो एक टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। और जैसे कि आपने सुना कि ये जो टिक्की है ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये बाहर से देखने में जितनी सुंदर और क्रिस्पी है उससे कई ज़्यादा ये अंदर से खाने में टेस्टी लगती है। आज मैं आपके लिए आलू और बेसन से बना एक नया और बहुत ही अलग किस्म का नाश्ता लेकर आया हूँ जिसको बनाना एकदम ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो नाश्ता है इसको बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पर एक बाउल में 1 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर डालना है। अब हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसका हम बैटर यानी कि घोल रेडी करेंगे। और ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी को हमें एकदम ही पतला रखना है। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि आप इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत करिएगा वरना इसमें लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसका एकदम ही पतला बैटर रेडी कीजिए। चलिए यहाँ पर मैंने इस बैटर को रेडी कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये इतना पतला होना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे और अब यहाँ पर एक कढ़ाई में आपको डालना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। फिर तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। और अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। फिर हमें यहाँ पर इसमें डालनी है 2 से 3 बारीक कट की ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च। आप यहाँ पर हरे मिर्च की मात्रा अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब इस हरे मिर्च को हम कुछ सेकेंड्स के लिए सौते करेंगे। अब यहाँ पर आप गैस को स्लो कर लीजिए और अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। और अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1/2 बड़ी चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डालने से इस नाश्ते का जो फ्लेवर है ना वो काफ़ी अच्छा आता है
तो हो सके तो आप भी यहाँ पर पाव भाजी मसाला ज़रूर डालिएगा। अब इन मसालों को हम कुछ सेकेंड्स के लिए पकाएंगे और फिर जब मसाले अच्छे से पक जाए तब हम यहाँ पर जो बैटर हमने बनाया हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर इस पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पर लगभग एक बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप मीडियम पर कर लीजिए और इस बेसन के बैटर को आपको तब तक पकाना है जब तक ये एकदम ही गाढ़ा नहीं हो जाता। मुश्किल से 4 या 5 मिनट में जो बेसन का बैटर है ये एकदम ही गाढ़ा हो जाएगा, तो आप इसको लगातार चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर चिपक कर जल ना जाए। और ये जो कढ़ाई के किनारों पर भी जो बैटर लगा हुआ है उसको भी बीच बीच में निकालते रहिएगा, इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाए इस वजह से आप इसको लगातार चलाते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी जो बेसन का बैटर है ये एकदम ही गाढ़ा हो चुका है और हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 उबले हुए आलू और इन आलूओं को हम यहाँ पर इसमें ग्रेट करके ऐड करेंगे। आलू को हम यहाँ पर ग्रेट करके इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आलू के कोई भी बड़े बड़े टुकड़े इसमें ना रह जाए। और इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो नाश्ता बनाने का स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है। जब आपको यहाँ पर एक प्लेट लेनी है या फिर एक ऐसी आप बर्फी की ट्रे भी ले सकते हो और इसको हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये जो नाश्ता है ये इसमें चिपक ना जाए। और अब हम हमारे स्टफिंग को इस ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इसको हर तरफ इवनली स्प्रेड कर लेना है। अब आपको यहाँ पर इसको फ्रीज़र में रखना है लगभग 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर 15 मिनट के बाद भी आपका ये जो नाश्ता है ये अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है तो आप इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर और रहने दीजिए। यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट हो चुकी है और जो नाश्ता है ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, तो अब हम इसको यहाँ पर ऐसे स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। चले यहाँ पर जो नाश्ता है ये रेडी है। तो अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ पर एकदम ही कम तेल में बना रहा हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में लगभग 2 बड़ी चम्मच जितना तेल लिया हुआ है और इस तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब यहाँ पर इस नाश्ते को हमें स्लो या मीडियम फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक इसकी दोनों साइड्स ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। और मुश्किल से 5 मिनट में ये जो नाश्ता है ये अच्छी तरह से सिक जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो नाश्ता है ये अच्छी तरह से सिक चुका है, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको आप हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो।